औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट, मैं हूँ आपका टीचर इंजीनियर कलीमुल्ला, डायरेक्टर ब्राइट फ्यूचर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बरखेला मलाकंड से आपको मुखातिब हूँ। और आज मैं हाजिर हूँ लेक्चर नंबर 23 के साथ, और वो लेक्चर है फंक्शन एंड MySQL। हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे कि MySQL में मुख्तलिफ फंक्शन जो मौजूद हैं उसको तफसील के साथ पढ़ेंगे वन बाई वन, और उस पर कुछ क्वेरीज़ है वो भी साथ में लिखेंगे, उस पर काम भी करेंगे। तो मुख्तलिफ फंक्शन जो है वो MySQL में कौन कौन से है, एक एक फंक्शंस को हम विद एग्ज़ाम्पल एक्सप्लेन करेंगे। MySQL मेन एंड मैक्सिमम फंक्शन, मेन की मानी है मिनिमम। अगर आप किसी वैल्यूज़ में मिनिमम वैल्यू को सर्च आउट करना चाहते हैं तो उसके लिए MySQL में जो फंक्शन इस्तेमाल होता है वो है मेन, और उसके ब्रैकेट के अंदर आप वो लिखेंगे जो उसकी आप वैल्यूज़ एंटर करना चाहते हैं। इसी तरह मैक्सिमम फंक्शन जो रिज़ल्ट हमें रिटर्न करने का, तो वो होगा जो वैल्यूज़ है आप उस वैल्यूज़ में चेक करेंगे, जो इसमें जो बिगेस्ट वैल्यू है उसको सर्च आउट कर ले, उसको मालूम कर ले, तो उसके लिए फंक्शन मैक्स इस्तेमाल होता है। अभी हम इसके लिए एक सेंटेक्स लिखते हैं कि मेन पे हम प्रोग्राम किस तरह लिखेंगे। तो हम लिखेंगे सेलेक्ट स्पेस मेन, और फिर कॉलम का नाम देंगे कि मिसाल के तौर पर आप स्टूडेंट मार्क्स वो कॉलम है, उसमें आप मेन मिनिमम वैल्यू निकाल ले फ्रॉम टेबल, टेबल का नाम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल टेबल का नाम हमने लिख दिया है स्टूडेंट। वेयर कंडीशन, अगर आप उस पर कोई कंडीशन अप्लाई करना चाहते हैं कि मिसाल के तौर पर वो स्टूडेंट हमें हमारे पास सर्च आउट कर ले जिनकी मार्क्स जो है वो 50 से कम है, तो वेयर कंडीशन वेयर पे हम लिखेंगे वेयर मार्क्स आर लेस देन 50। मैक्सिमम पे आप उसी तरह का सेंटेक्स लिखेंगे सेलेक्ट मैक्स, और फिर कॉलम का नाम देंगे, फ्रॉम टेबल का नाम देंगे, और वेयर कंडीशन उस पर कंडीशन लगाएंगे तो उसमें उस टेबल में वो मैक्सिमम वैल्यू को सर्च आउट करके डिस्प्ले कर देगा। इसके बाद जो मज़ीद हमारे पास फंक्शंस हैं, काउंट है, एवरेज है और सम है। काउंट की मानी है शुमार करना। वो हमारे पास जो रिज़ल्ट देगा वो होगा कि आप एक कॉलम में मुख्तलिफ फील्ड्स को, मुख्तलिफ वैल्यूज़ को काउंट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप काउंट का फंक्शन लिखेंगे, और कमांड उसके लिए इस तरह लिखेंगे सेलेक्ट काउंट, कॉलम का नेम देंगे, फ्राम टेबल का नाम देंगे, वेयर कंडीशन और उस पर कंडीशन अप्लाई करेंगे। ये फंक्शन जो है इसकी सिंटेक्स तकरीबन एक जैसे होते हैं, लेकिन जो फंक्शंस है वो अलग अलग होते हैं। मिसाल के तौर पर मैक्सिमम के लिए मैक्स हो गया, मिनिमम के लिए मिनिमम हो गया, और काउंट के लिए आप उसका कीवर्ड काउंट इस्तेमाल करेंगे, सेलेक्ट काउंट, और फिर आप उसका कॉलम नेम देंगे, और फिर किस टेबल से आप उस डेटा को रिट्रीव करना चाहते हैं, और अगर आप उस पर कोई कंडीशन अप्लाई करना चाहते हो तो फिर वेयर और उसके बाद कंडीशन आप लिखेंगे। सम जो है ये हमारे पास एक अनदर फंक्शन है जो मुख्तलिफ वैल्यूज़ को ऐड करता है, उसको आपस में ऐड करता है, एडिशन के लिए इस्तेमाल होता है। सेलेक्ट सम, कॉलम का नाम देंगे, फिर फ्रॉम टेबल का नाम देंगे, और वेयर कंडीशन आप उस पर कंडीशन अप्लाई करेंगे। इसी तरह एवरेज जो है, एवरेज जो हमारे पास मुख्तलिफ वैल्यू है उसकी जो दरमियानी वैल्यूज़ है उसको सर्च करता है, उसको निकालता है, तो इसके लिए कीवर्ड जो है वो AVG इस्तेमाल होता है। इसके लिए आप लिखेंगे सेलेक्ट AVG प्राइस फ्रॉम प्रोडक्ट। अभी प्रोडक्ट जो है ये टेबल का नाम है, और आप कहते हैं कि इन प्राइस की आप एवरेज निकाल लें कि इसकी जो मीन वैल्यू है, इसकी दरमियानी वैल्यू है, जो ना मैक्सिमम हो ना मिनिमम हो,
तो आप उससे वो निकाल दे, तो इसके लिए आप एवरेज का फंक्शन लिखेंगे। सम का तो पहले भी हमने पढ़ लिया, तो ये कुछ फंक्शंस थे जो हमने तफसील से पढ़े। और MySQL में और भी बहुत से फंक्शन है जो आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, आप उसको निकाल सकते हैं। उम्मीद है कि ये लेक्चर भी आपको पसंद आया होगा, इससे आपने कुछ लर्न किया होगा। इजाज़त दीजिए अपने टीचर इंजीनियर करीमुल्लाह को। अल्लाह हाफिज़।